अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है काफी लोगों ने पूछा है अभी मुझे इसके क्वेश्चन किए हैं कि यूट्यूब चैनल जो लोग बनाते हैं, यूट्यूब चैनल जो लोग चलाते हैं, जो लोग नए हैं अभी यूट्यूब के ऊपर, जिन्होंने चैनल अभी अपना क्रिएट किया है, वो ये पूछते हैं कि जी हम लोग अपने जो सब्सक्राइबर हैं उसको हाइड कैसे करें ताकि लोगों को पता ना चले कि हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो ये ऑप्शन जो है ये किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलते हैं वीडियो स्क्रीन की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो जो है वो पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को डिटेल में समझ आ सके कि आप लोग इस ऑप्शन को किस तरह से ऑन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर है उनको दूसरे लोगों से कैसे हाइड कर सकते हैं ताकि उनको आइडिया ना हो कि आपके कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं। काफी दोस्तों का कहना यह है कि ये बड़ा पॉजिटिव वे है। जो लोग नए हैं जिनके सब्सक्राइबर कम है, मतलब 10, 12, 15, 400, 300, 400, वो लोग ये कहते हैं वीडियो हम लोग जब अपलोड करते हैं तो जो वीडियो देख रहे होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले ये देखते हैं इसके ऑलरेडी सब्सक्राइबर कितने हैं। वो जब देखते हैं कि इसके 1000 से कम है तो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये लोगों का मानना है। लेकिन इससे डिटेल वीडियो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो इस डिटेल पे होगी, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि ये जो वे है, ये जो तरीकाकार है, ये आपके चैनल के लिए ठीक है या गलत है। ठीक है, आज के दिन में सिर्फ ये बताऊंगा कि सब्सक्राइबर को हाइड कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं इसको लाइक कंप्यूटर स्क्रीन पे, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल पे। तो जैसे भी इस्तेमाल करते हैं मोबाइल पे करते हैं तो वाई टी स्टूडियो से जाके आप सेटिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर पे इस्तेमाल करते हैं तो भी वाई टी स्टूडियो में जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस क्लिप को किस तरह से आप ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाते हैं जी अपने ब्राउजर पे। ये ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन को आप यहाँ से आप देखते हैं थर्ड नंबर पे लिखा होता है यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो पे जाते हैं आप। ये यूट्यूब स्टूडियो मतलब आई टी जो है यूट्यूब स्टूडियो का शॉर्ट ही है। सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, चैनल पे आएंगे। चैनल पे आने के बाद ये बेसिक इन्फो है, मतलब आपकी कंट्री रेजिडेंस ये वो जो भी आपकी है वो आपने देनी होती है। मतलब अभी इसकी चैनल की नई सेटिंग की है क्योंकि ये चैनल नया बना हुआ है। ठीक है, तो एडवांस सेटिंग में आएंगे। एडवांस सेटिंग में उनकी ऑप्शन को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, लेकिन सब्सक्राइबर काउंट, ठीक है, जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनकी गिनती किस तरह से, ये जो चेक बॉक्स पे क्लिक हुआ हुआ है इसमें द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, इसको अनचेक कर देंगे आप। अनचेक करने के बाद आपने इस ऑप्शन को सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप जैसे ही मतलब इधर आएंगे तो ये आपके जो सब्सक्राइबर हैं ये हाइड हो जाएंगे, लोगों को नजर नहीं आएंगे। तो ये जो तरीकाकार है ये बड़ा आसान है। इस तरीके का के साथ आप अपने चैनल पे जो सब्सक्राइबर है उसको हाइड कर सकते हैं। ये पॉजिटिव वे है या नेगेटिव वे है इसमें हम बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टिप एंड ट्रिक के साथ। आज का जो टॉपिक था वो यूट्यूब से रिलेटेड था। अल्लाह हाफिज़।